हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट डिटेल्स को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से कॉन्स्टेबल की नई रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, ये काफी अवेटेड वैकेंसी थी जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे। ये आपका ग्रुप सी की पोस्ट होती है जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो RPF में टोटल वैकेंसी आई है 4660 सीट के लिए, मतलब 4660 सीट की वैकेंसी है, लेकिन कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आपका 4208 मतलब 4208 सीट रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वो मैंने अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जाइए वहाँ से डाउनलोड करके थॉरो आउट देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं कि इसको अप्लाई करने का अंतिम तिथि क्या रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, 15 मई इसका लास्ट डेट है, फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है 15 अप्रैल से, बट आपको 15 मई तक इंतजार नहीं करना है। जैसा कि आपको पता है कि सर्वर इशू वगैरह हो जाता है, तो अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दो, वही बेहतर रहेगा। अब बात कर ले कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त फी क्या लिया जाएगा। जनरल और OBC के कैंडिडेट से 500 रुपीज लिया जाएगा, और अदर जो भी कैंडिडेट है जैसे कि SC ST EWS एंड ऑल कैटेगरी फीमेल्स, इनसे लिया जाएगा 250 रुपया। फ्रेंड्स, ये जो पेमेंट होता है ना, ये रिफंडेबल होता है। 500 में से आपको 400 रुपया और 250 का 250 ये रिफंडेबल होता है। बट कब रिफंड मिलता है? आफ्टर CBT, जब आप एग्जाम में बैठते हो उसके बाद आपका पैसा, डजंट मैटर कि एग्जाम में पास हुए या फेल हुए, बस आपने एग्जाम दिया पैसा वापस आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या रहेगी। सबसे पहली बात तो ये बता दूं किस डेट से एज का यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। एज ऑन 1 जुलाई 2024, मतलब कि 1 जुलाई 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 28 वर्ष के सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहने वाले हैं। रिलैक्सेशन भी मिलता है OBC को 3 इयर्स का एंड SC ST को 5 इयर्स का। और सबसे खुशखबरी की बात यह है फ्रेंड्स, इस बार जी जान लगा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जिनका एज लिमिट नॉर्मली जो आपका 18 वर्ष से 25 वर्ष होता है उसके हिसाब से वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते। बट आपको पता है कि सरकार ने इस बार यह देखिए 28 वर्ष कर दिया, मतलब 3 साल का सभी बच्चों को छूट दिया, तो इसका फायदा आपको उठाना तो बनता है, क्योंकि फिर ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। क्वालिफिकेशन आपका 10वीं पास। जिन भी कैंडिडेट ने 10th पास कर लिया है, डजंट मैटर क्या परसेंटेज है, बस इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इलिजिबल रहोगे। अब देख लेते हैं हम लोग कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी। आपका सिलेक्शन 4 स्टेज से गुजरने के बाद होगा। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द ऑनलाइन CBT, मतलब कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास करोगे आप, तब आपका PMT एंड PET होता है, मतलब कि आपका जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है और शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया जाता है, यानी फिजिकल होगा। उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा आपका मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस को बहुत ही बारीक तरीके से समझ लेते हैं कि क्या सब प्रोसेस होगा। फ्रेंड्स, पहले स्टेज पर जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसमें आपको 120 प्रश्न का परीक्षा होता है 120 मार्क्स के लिए। टाइम विल बी 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटे में आपके परीक्षा की अवधि रहेगी। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3 का। अब सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो आपका रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, एंड GK GS से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, ओवरऑल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए रहेगा। दिस इज योर एग्जाम पैटर्न। इसको क्वालिफाई करते हो आप तो फिजिकल होता है। आइए अब उसको हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। फिजिकल में क्या होता है, सबसे पहले हाइट की मेजरमेंट होती है। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर होता है, SC ST के लिए आपका 160 सेंटीमीटर रहेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 152 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका PET होता है जिसमें कि रनिंग होती है,
मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स को 800 यानी 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना है। उसके बाद लॉन्ग जंप होता है मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट का और फीमेल्स के लिए 9 फीट का। फिर आपका हाई जंप भी होता है मेल के लिए 4 फीट फीमेल के लिए 3 फीट। इसको क्वालिफाई करते हो आप तो डीवी मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, देन ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, इस बार एक बड़ी अच्छी खबर ये आई है कि पहले जैसे आपको पता है कि जोन वाइज वैकेंसी अप्लाई किया जाता था, इस बार ये ऑल इंडिया के लिए है। तो आपके नंबर के बेसिस पे आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी जॉब पोस्टिंग की जाएगी। तो जब आप सर्विस करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी, आइए मैं बता देती हूँ। सैलरी आपकी शुरुआत होती है 21,700 रुपये से और बाद में जब आपका पर्क्स अलाउंसेस होते हैं, साल दर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होती है, तो सैलरी आपकी 69,100 मतलब 70,000 के करीब सैलरी आपकी पहुंच जाती है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। आपने इसकी जो अभी आपने समझ लिया कि एक तो एज में 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है, साथ ही साथ इस बार आपको जो है जोन वाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी कि इस जोन में अप्लाई करना है या उस जोन में, तो आप इसकी तैयारी की स्पीड को बहुत अच्छे से बूस्ट करिए ताकि एक सीट आप अपनी इस बार अचीव कर पाओ। आई होप इस पोस्ट के रिगार्डिंग सारे ही डिटेल्स आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है, मन में कंफ्यूजन है, कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपकी क्वेरी को सॉल्व की जाएगी। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते जाए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइए ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।